हे गाइस, स्वागत आप सबको आपके चैनल टेक्निकल सुमनत पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले अमेजन मर्चेंट को लेकर, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको फ़ोन पे मर्चेंट के बारे में बताया, फोन पे मर्चेंट कैसे बनाते हो भी बताया, तो एजेंट के थ्रू आपने बना लिया और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा। तो गाइस, अब बात आ गई अमेजन का, ठीक है। तो अमेजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना। पहली बार के लिए चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अमेजन में गाइस, इससे पहले आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा था अपना मर्चेंट अकाउंट पर, लेकिन अभी के लिए उस ऑफर को गाइस मॉडिफाई कर दिया गया है। कुछ दिन पहले क्या है, तो वहां पर आपको 250 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 250 करके 25 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, यानी 25 अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा। सेम अकाउंट के साथ करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप बात आते हैं अमेजन मर्चेंट आप करोगे कैसे, इसके लिए एजेंट के द्वारा वेरीफाई आप करोगे कैसे। तो गाइस, ये इसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अमेजन मर्चेंट करने के लिए टिल द टाइम आपको सेल्फ रजिस्टर करना पड़ता है। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक स्माइली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको स्कैन करके अपना पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका बिजनेस डिटेल देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन में जाकर दिखा दूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक QR कोड आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, जिसके मदद से आप इस पूरा प्रोसेस को करोगे, ठीक है। तो कौन सा ही कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लेना, आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला कोड, ठीक है। तो ये वाला कोड आपको ज़रूरत है तो मैं ये मेंशन कर दूंगा, कर लेना। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट कट बताना चाहता हूँ कि फ़ोन पे में क्या होता था, आपको डिटेल्स एजेंट को देना पड़ता, एजेंट सबमिट कर देते और उसके बाद आपका जो मर्चेंट है बन जाते। लेकिन अमेजन पे पूरा उल्टा है, सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। एजेंट पर सबका नंबर देके वेरीफाई करके आपको QR कोड अपना प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ऐसा एक कोड को आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अमेजन आईडी आपको ओपन करना पड़ेगा। फटाफट मैं अमेजन ओपन कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर अमेजन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको उस कोड को स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं उस कोड को स्कैन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं मेरा जो कोड है यहाँ पर स्कैन हो चुका है। और स्कैन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है मर्चेंट का, यहाँ पर मेंशन किया गया साइन अप एज ए मर्चेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर लीगल नेम, यहाँ पर आप बिज़नेस का नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सौरभ के बगल में यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टोर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टोर लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ चेक कर दीजिए, इसके बाद इसको रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, ओके। तो पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सौरभ स्टोर्स मैंने यहाँ पर लिखा। तो उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ऑफर के थ्रू आपको 250 रुपीज़ का फ़ायदा होगा और आपको 25 पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा, 250 रुपये या उससे ज़्यादा का। और एक बंदे से पेमेंट रिसीव करोगे तो भी चलेगा, तो आपको 250 का कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का एक फॉर्म आएगा। वहाँ पर आपको ऊपर में आपको ही बिज़नेस नाम देना पड़ेगा, बिज़नेस का कैटेगरी सब कैटेगरी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिन कोड के साथ आपको एड्रेस देके सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, ये सारा पूरा जितना सारा प्रोसीज़र सामने आपको दिखेगा, कैटेगरी सब कैटेगरी सब कुछ आपको देने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपको नंबर पर एक वेलकम मैसेज आएगा, जो कि अमेजन की तरफ से ऑफिशियली आएगा, ठीक है। जो SMS कुछ इस तरह की का आएगा, तो आप एक बार देख सकते हैं, इस तरीके का एक मैसेज आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपने अपना जो अकाउंट ओपन बना लिया। तो उसके बाद एजेंट द्वारा जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, एजेंट आपको इस टाइप का एक आपको QR कोड प्रोवाइड करेगा, उसके साथ UPI ID भी होगा। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपना एजेंट को नंबर देना, और एजेंट का नंबर मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, वहीं से लास्ट का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर देना। बनने के बाद इस टाइप का एक कोड आपको एजेंट द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अपनी तरफ से अगर वीडियो अच्छे लगते तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते गाइस एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।